हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। मशहूर अभिनेता आमिर खान की साल 2007 में सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर रिलीज हुई थी। यह फिल्म सबको ही काफी पसंद आई थी। दर्शकों का दिल छू लिया था इस फिल्म ने। इस फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे के ऊपर लिखी गई थी, जो बच्चा फिल्म में मंदबुद्धि था। तार जमीन पर इस फिल्म में जो बच्चा था वह अपने माँ बाप की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है। आज हम आपको तारे जमीन के उसी बच्चे के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। मतलब कि दर्शील सफारी ने फिल्म में छोटे बच्चे को किरदार निभाया था, आज वह काफी बड़े हो चुके हैं और उनमें काफी बदलाव आ चुके हैं। बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू के लिए दर्शील सफारी तैयारी कर रहे हैं। दर्शील सफारी ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के साथ 10 साल पहले फिल्म तारे जमीन पर में काम किया था। आमिर ने इस फिल्म में डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी के मुद्दे को काफी अच्छे अभिनय से बताया था। दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। यह फिल्म उस वक्त बच्चों और पेरेंट्स के लिए एक उदाहरण बन गई थी। वहीं एक बच्चे के रूप में दर्शील सफारी की काफी तारीफ हुई थी। दर्शील अब एक फिल्म के पोस्टर में इस बार वे एक टीनेज लवर बॉय के रूप में दिखाई देंगे। दर्शील की फिल्म क्विकी जल्द ही रिलीज होने वाली है। दर्शील सफारी पहले से ज्यादा यंग और हैंडसम हो गए हैं। फिल्म का पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ है और वे उसमें दिखाई दे रहे हैं। दर्शील की नई फिल्म का पोस्टर ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने ट्वीट किया। फिल्म का निर्देशन प्रदीप अतलुरी करेंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस टोनी डिसूजा, अमूल विकास मोहन, नितिन उपाध्याय ने किया है। फिल्म की फीमेल लीड का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। दर्शील सफारी अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को लेकर छाए रहते हैं, अपने नए नए लुक की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। आज सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है।